हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन का। देखिए, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का सिंथेसिस होना, यानी सेंट्रल डोगमा के अकॉर्डिंग जो डीएनए है, डीएनए ट्रांसक्राइब होकर के एक मैसेंजर आरएनए बनाता है और वो मैसेंजर आरएनए फिर ट्रांसलेट होकर के प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैसेंजर आरएनए में ही जेनेटिक कोड आपके कॉपी होकर के डीएनए से आते हैं और फिर उस जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग एक एक अमीनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन बनाई जाती है, जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी जीन एक्सप्रेशन का फाइनल स्टेप की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो ट्रांसलेशन हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का एक मेन मैकेनिज्म है और यहाँ पे बेसिकली हम लोग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में इसको पढ़ेंगे, यानी बैक्टीरिया के रेफरेंस में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन भी ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर ही होता है, सिर्फ कुछ डिफरेंसेस आपके होते हैं, है ना। तो फिलहाल हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो सामने एक बैक्टीरियल सेल आपके बना हुआ है और बैक्टीरियल सेल का ये डीएनए है जो कि न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है, तो हम इसको सीधा डीएनए लिख रहे हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं होती है, सीधा साइटोप्लाज्म होता है। तो चाहे यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, याद रखिएगा दोनों ही केसेस में, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों ही केसेस में जो ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो आपका कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही आरएनए बनेगा, जैसे मान लीजिए इसी में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, आपने पढ़ा है बैक्टीरिया में कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ होता है। तो मान लीजिए ये एमआरएनए बना, मैसेंजर आरएनए बना, ठीक है, और उसी समय इस पर राइबोसोम अटैच होना शुरू हो जाएंगे और अटैच होकर के प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। तो जब भी राइबोसोम्स का कई यूनिट एक साथ एमआरएनए पर अटैच होता है, ठीक है, याद रखिएगा राइबोसोम का कई यूनिट एक साथ एमआरएनए पर अटैच होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीसोम। क्लियर, क्या बोलते हैं? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो पॉलीसोम का बनना या पॉलीराइबोसोम का बनना ये इंडिकेट करता है कि सेल जो है वो प्रोटीन, एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में एक सेल में अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही है तो पॉलीसोम स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर, तो अब सवाल ये है कि इस ट्रांसलेशन में का जो टोटल मैकेनिज्म है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो बिल्कुल रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन की तरह से ही, जो मैंने पहले के वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया है, उस रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म को भी हम लोग तीन स्टेप में डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप इनिशिएशन, यानी प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, जो कि वही सबसे मेन होता है। देन दूसरा स्टेप आएंगे इलोंगेशन, यानी प्रोसेस कैसे कंटिन्यू रहेगा। एंड देन द लास्ट वन इज ऑफ कोर्स टर्मिनेशन, यानी प्रोसेस कैसे स्टॉप होगा। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये तीन बेसिक स्टेप्स हैं, इन्हीं की बात हमें करनी है। तो चलिए पहले इनिशिएशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उस इनिशिएशन का मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन का जो इनिशिएशन स्टेप है, इस इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहला काम क्या होता है कि अमीनो एसिड पूल को चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया, अमीनो एसिड पूल। तो अमीनो एसिड पूल का मतलब क्या है? अमीनो एसिड पूल का मतलब होता है, देखिए पूल वर्ड कहीं पे भी लग गया, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, पूल वर्ड कहीं पे भी यूज हो रहा है तो पूल का मतलब होता है कलेक्शन। तो किसी सेल में, एक सेल के अंदर जो टोटल कलेक्शन है फ्री अमीनो एसिड्स का, फ्री अमीनो एसिड्स यानी जो प्रोटीन बनाने के लिए यूज हो सकती हैं, फ्री हैं, किसी कहीं पे केमिकली बाउंडेड नहीं है, ठीक है। तो जो फ्री अमीनो एसिड्स का कलेक्शन है उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड पूल। इसी तरह से आपने एक वर्ड सुना होगा जीन पूल, यानी टोटल कलेक्शन ऑफ जीन एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो पूल वर्ड का मतलब कलेक्शन होता है। तो अमीनो एसिड पूल को एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट करके उसको उसके करस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए पे अटैच करना, यानी यहाँ पे पहला जो बेसिक स्टेप होगा वो होगा चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। क्यों ट्रांसफर आरएनए की बात कर रहे हैं? देखिए, ट्रांसफर आरएनए का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने अपने न्यूक्लिक एसिड वाले वीडियोज में बताया है, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, उनमें मैंने हर आरएनए के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। क्लियर, तो अब यहाँ पे जो हमारा अमीनो एसिड पूल है उसको चार्ज करना है और टीआरएनए पे जोड़ना है, क्योंकि टीआरएनए ही उसका कैरियर है, वही उस अमीनो एसिड को राइबोसोम के पास लेकर के जाएगा प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए।
क्लियर। तो इसलिए जरूरी हो गया कि हम पहले उसको चार्ज करें। चार्ज करने का मतलब यहाँ पे एक्टिवेट करना है। तो मान लीजिए एक अमीनो एसिड ले लेते हैं कि ये हमारा एक अमीनो एसिड है। तो इस अमीनो एसिड का सबसे पहले रिएक्शन होगा एटीपी मॉलिक्यूल से, ठीक। और एटीपी मॉलिक्यूल से रिएक्ट होगा तो उस रिएक्शन को कराने के लिए जो एंजाइम है हमारा वो है अमीनो एसिल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, क्लियर। अमीनो एसिल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम है, यही एंजाइम अमीनो एसिड को एटीपी से रिएक्ट कराएगा और बनाएगा क्या, अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स, क्लियर। अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स और प्लस क्या निकल जाएगा, इनऑर्गेनिक पाइरोफॉस्फेट। तो पाइरोफॉस्फेट में देखिए क्या है, अगर इसको डिटेल में आप देखिए तो दो फॉस्फेट अभी भी एक हाई एनर्जी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आगे चल करके इसी फॉस्फेट के इस बॉन्ड को भी क्लीव किया जाता है पाइरोफॉस्फेटेज एंजाइम से, पाइरोफॉस्फेटेज एंजाइम से इसको क्लीव करके एनर्जी ली जाती है और फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन को प्रोसीड करने में, आगे बढ़ाने में, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, क्लियर। तो इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स क्या बना, अमीनो एसिल एएमपी कॉम्प्लेक्स बना। अब इस अमीनो एसिल एएमपी कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे, अमीनो एसिल एएमपी कॉम्प्लेक्स को रिएक्ट करा देंगे इसके करेस्पॉन्डिंग टीआरएनए पे, यानी ट्रांसफर आरएनए पे रिएक्ट करा देंगे। और रिएक्ट कराएंगे तो ये इस पे अटैच हो जाएगा, अमीनो एसिड को यहां ट्रांसफर कर देगा, बन जाएगा अमीनो एसिल टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स और एएमपी अलग हो जाएगा। और यहां पे भी यही सेम एंजाइम वर्क करेगा, ठीक है, सेम यही एंजाइम अमीनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज वर्क करेगा। यानी एक ऐसा एंजाइम है जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक एक्सप्रेशन में, याद रखिएगा। हम लोग जीन कोड की बात तो करते हैं तो जेनेटिक कोड में हम ये देखते हैं कि कोड के अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड ही अटैच होगा, ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस एंजाइम का होता है ना, क्यों, क्योंकि इसी एंजाइम का काम है सही अमीनो एसिड को सही टीआरएनए पे ऐड करना। अगर मान लीजिए टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए में ही कैपेसिटी होती है कि वो जेनेटिक कोड को रीड करे, ठीक है, तो अगर टीआरएनए तो करेक्ट है लेकिन उस पर जुड़ा हुआ अमीनो एसिड गलत है और वो अपने एंटी कोडॉन के अकॉर्डिंग जाकर के कोड पे बाइंड कर गया, तो बाइंडिंग तो प्रॉपर हुई, करेक्ट हुई, लेकिन अमीनो एसिड गलत चला गया, है ना, तो इसलिए सारा जेनेटिक कोड वहां पे फ्लॉप हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए सेल की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सही अमीनो एसिड को सही टीआरएनए पे अटैच करे। तो ये चीज कैसे पॉसिबल होता है, इस एंजाइम की वजह से। इस एंजाइम का काम होता है कि ये टीआरएनए को रीड करे और रीड करके देखे कि उस पर कौन सी अमीनो एसिड उसके ऊपर करेक्टली अटैच होगी, ठीक है। तो उसके एंटी कोडॉन के अकॉर्डिंग उस पर करेक्ट अमीनो एसिड को अटैच करने का काम इस एंजाइम का होता है। इसीलिए इस एंजाइम को हम लोग नाम क्या देते हैं, जो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंड जेनेटिक कोड, याद रखिएगा। अक्सर पूछता है इस सेकेंड जेनेटिक कोड किसको बोलते हैं, तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड जेनेटिक कोड। तो इस तरीके से ये सभी अमीनो एसिड्स को एटीपी एनर्जी का इस्तेमाल करके उनके करेस्पॉन्डिंग टीआरएनए पर जोड़ करके कॉम्प्लेक्स तैयार कर देता है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स रेडी है प्रोटीन सिंथेसिस को में इन्वॉल्व हो करके उसको स्टार्ट करने के लिए, क्लियर। लेकिन इससे पहले कुछ इसके कोड वर्ड्स होते हैं, उसको भी समझ लीजिए। यहां जैसे मैंने सिर्फ अमीनो एसिड यूज किया, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि करेस्पॉन्डिंग टीआरएनए, तो करेस्पॉन्डिंग टीआरएनए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको भी तो देखना है। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने अमीनो एसिड ले लिया मेथियोनिन, मेट, ठीक है, मेट अमीनो एसिड का रिएक्शन कराया इसके अकॉर्डिंग, तो एटीपी से रिएक्ट होगा एंजाइम के प्रेजेंस में, या एंजाइम होगी जो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है, तो बनेगा मेट यानी मेथियोनिन एएमपी कॉम्प्लेक्स और वही इनऑर्गेनिक पाइरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, ठीक। अब जो ये कॉम्प्लेक्स बना है मेथियोनिन का, मेट एएमपी कॉम्प्लेक्स, ये टीआरएनए, देखिए जब इसका करेस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए लिखेंगे तो उसके ऊपर सुपर फिक्स यूज करेंगे हम लोग, सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे मेट, मेट लिख दिया मतलब ये मेट मेथियोनिन अमीनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, कोई दूसरा ट्रांसफर आरएनए नहीं है,
मेथिनिन अमीनोसिड का ट्रांसफर आने, और फिर जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे मेट, टी आर एन ए मेट, और प्लस ए एम पी अलग हो जाएगा। तो ये सही तरीका होता है, कोडिंग होती है सही तरीके से। अमीनो एसिड का नाम अगर आपको पता है तो उस अमीनो एसिड का सिंबल आप टी आर एन ए के साथ करस्पॉन्डिंग ऑर्डर में ले करके सही तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात सुन गई। दूसरी चीज याद रखिएगा कि प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको पढ़ाया था जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड में मैंने बात किया था इनिशिएशन कोडॉन का। तो इनिशिएशन कोडॉन हमेशा फिक्स होता है एयूजी, और कभी कभी उसकी जगह जीयूजी होता है। तो चाहे एयूजी हो या जीयूजी हो, दोनों ही एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, दैट इज मेथियोनिन। मेथियोनिन को ही कोड करते हैं, यानी कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी तो पहला अमीनो एसिड जो वहां पे इनकॉर्पोरेट होगा, जो अटैच होगा, वो हमेशा मेथियोनिन होगा। लेकिन इस मेथियोनिन में भी एक छोटा सा फर्क होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को लेकर के। क्या फर्क होता है? अगर यूकैरियोटिक सिस्टम है तो यूकैरियोटिक सिस्टम में इनिशिएशन अमीनो एसिड मेथियोनिन होगा नॉर्मल, जैसा कि आप नॉर्मल मेथियोनिन लिखते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के केस में जो इनिशिएशन मेथियोनिन होगा, यानी पहला जो मेथियोनिन जाके अटैच होगा, वो फॉर्मुलेटेड फॉर्म में होगा। तो बैक्टीरिया के केस में, फॉर बैक्टीरिया इनिशिएशन अमीनो एसिड इज एफ मेट, यानी फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन। क्लियर? तो फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन होगा किस केस में? बैक्टीरिया के केस में। लेकिन यूकैरियोट में नॉर्मल मेथियोनिन होता है, ये याद रखिएगा। तो अगर इस फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन को इस तरह से इसके टी आर एन ए के साथ रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखेंगे? तब देखिए ऐसे लिखेंगे, एफ मेट टी आर एन ए एफ मेट। तो ये इसका प्रॉपर सिंबल हो जाएगा, लिखने का एक प्रॉपर तरीका हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इनिशिएशन के लिए सबसे पहला काम क्या हुआ कि अमीनो एसिड का को चार्ज करना और ट्रांसफर आरएनए को चार्ज करना, ताकि करेक्ट अमीनो एसिड करेक्ट टीआरएनए पर अटैच हो जाए, और हमारा इस तरह से सभी अमीनो एसिड टीआरएनए पर अटैच होकर के रेडी रहे प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए। क्लियर? चलिए बाकी का स्टेप देखते हैं। चार्जिंग होने के बाद क्या होगा कि जो एमआरएनए बन रहा है उस एमआरएनए में इनिशिएशन कोडॉन होगा ही। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं इनिशिएशन कोडॉन है, ठीक है, ए यू जी, ये इनिशिएशन कोडॉन है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के केस में सबसे पहले आपका राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट, यानी 30 है सब यूनिट, जिसको आप स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं, स्मॉल सब यूनिट, वो स्मॉल सब यूनिट पार्टिसिपेट करेगा, और इसको इस इनिशिएशन कोडॉन पे बाइंड कराने के लिए जरूरत पड़ती है इनिशिएशन फैक्टर्स की। तो तीन इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, इनिशिएशन फैक्टर वन आई एफ वन, इनिशिएशन फैक्टर टू एंड इनिशिएशन फैक्टर थ्री, और इनिशिएशन फैक्टर टू को बाइंड कराने के लिए जीटीपी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जीटीपी एनर्जी की मदद से ये इनिशिएशन फैक्टर्स क्या करते हैं, 30 सब यूनिट को बाइंड करा देते हैं, कहाँ, एमआरएनए के इनिशिएशन कोडॉन पे। तो बाइंडिंग हो गई। अब इनिशिएशन कोडॉन मैंने क्या बोला था कि ज्यादातर केसेस में एयूजी होता है, लेकिन कभी कभी इसकी जगह पे जीयूजी भी इनिशिएशन कोडॉन का काम करता है, कभी कभी, समटाइम्स, लेकिन दोनों सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ही स्मॉल सब यूनिट बाइंड हो गई, तब रिएक्शन में आएगा पहला हमारा अमीनो एसिड, यानी इनिशिएशन अमीनो एसिड का कॉम्प्लेक्स। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बैक्टीरिया में इनिशिएशन अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स क्या था, फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन अमीनो एसिड होगी जो अपने टीआरएनए पे अटैच होगी, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे एफ मेट, टीआरएनए एफ मेट, ठीक है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टीआरएनए, उस पे फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन अमीनो एसिड अटैच है। तो ये कॉम्प्लेक्स आ करके इनिशिएशन कोडॉन पे बाइंड करेगा, क्योंकि इसका एंटीकोड इस कोडॉन से बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो आकर के बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही बाइंडिंग करेगा तब जाकर के जो लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, लार्ज सब यूनिट राइबोसोम का 50S, वो लार्ज सब यूनिट भी आकर के इसको ऊपर से सैंडविच की तरफ बाइंड कर लेगा। ठीक है, तो जैसे ही राइबोसोम के दोनों सब यूनिट आपस में मिलते हैं तो इनके मिलते ही तीन अलग अलग साइट्स जनरेट होती हैं, यानी तीन लोकेशन डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो वो थ्री लोकेशन जो डिफाइन हो रहे हैं वो क्या क्या है, पहला है देखिए ए, ए साइट बोलते हैं,
बीच वाला जो है उसको पी साइट बोलते हैं, जहाँ पहला इनिशिएशन अमीनो एसिड लगा हुआ है, और तीसरा हमारा ई है। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब अमीनो एसिल साइट, यानी अब इसके बाद जो दूसरे अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ आएगी उसकी बाइंडिंग कहाँ होगी? उसकी बाइंडिंग होगी ए साइट में, ठीक है। तो आने वाले जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सब ए साइट में बाइंड करेंगी। पी साइट में क्या होगा? पी साइट में जब अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगी, आपस में जुड़ेंगी, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद जो पेप्टाइड चेन तैयार होगी उसका लोकेशन हमेशा आपको पी साइट में दिखेगा, ठीक है। और ई का मतलब होता है एग्जिट, पी का पेप्टाइडल साइट था, ई फॉर एग्जिट, यानी जो टीआरएनए अपना अमीनो एसिड ट्रांसफर कर लेता है वो खाली हो जाता है, खाली होकर के वो ई साइट में शिफ्ट होकर के रिएक्शन से आउट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे शिफ्टिंग होती है वो हम लोग भी देखेंगे आगे के प्रोसेस में, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सब ए साइट में आती हैं, सिवाय इस पहले इनिशिएशन अमीनो एसिड को छोड़ करके। तो जो पहला इनिशिएशन अमीनो एसिड है वो हमेशा पी साइट में आता है, ठीक है। क्यों पी साइट में आता है? अगर देखिए, मान लीजिए कि ये तीन लोकेशन जो हैं, अगर इस लोकेशन को हम पहले वाले अमीनो एसिड से खाली रखें, ए पे ही बाइंड करा दें, तो फिर अगर पी खाली होगा तो रिएक्शन किसके बीच होगा? तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए पहले अमीनो एसिड को पी साइट में बाइंड करना जरूरी होता है। इसके बाद जितनी आएंगी ए साइट पे आएंगी, फिर इसका अमीनो एसिड ए साइट वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, और फिर वो खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा तो पुराना वाला जो टीआरएनए है वो ई साइट से आउट हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए पहला याद रखिएगा, इनिशिएशन अमीनो एसिड हमेशा पी साइट में बाइंड करता है, इसके बाद जो आने वाले हैं वो ए साइट में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही आपका पहला अमीनो एसिड, अभी आपने देखा पी साइट में बाइंड था, एफ मेट, है ना, इनिशिएशन कोडॉन पे। अब पोजीशंस को ध्यान दीजिएगा, तो इनिशिएशन कोडॉन पे ये बाइंडेड है, दूसरी अमीनो एसिड हमारी ए साइट खाली था, तो दूसरी अमीनो एसिड जो हमारे आ रहा है ट्रांसफर आने के साथ, वो इस पर मैंने सेकंड नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरा अमीनो एसिड आपका ए साइट में आ रहा है, ठीक। तो इस ए साइट में जब दूसरा अमीनो एसिड आ रहा है तो जैसे ही इसकी बाइंडिंग हो जाएगी तो पहले वाला जो एफ मेट अमीनो एसिड है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा दूसरे अमीनो एसिड पे, ठीक है। तो उस न्यूक्लियोफिलिक अटैक को समझने के लिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये मान लीजिए फर्स्ट अमीनो एसिड है R1 और ये R2 मैंने लिखा है, ये सेकंड अमीनो एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा जो अमीनो टर्मिनल है, ठीक है, वो आपका हमेशा किधर होगा? लेफ्ट साइड होगा, और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल राइट साइड होगा। इसी ओरिएंटेशन में अमीनो एसिड हमेशा लगती है, ठीक है, कभी भी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, उसमें ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे अमीनो एसिड पे अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर पे, और उसके बाद यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, और कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो -H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जो कि एक केमिकली अमाइड बॉन्ड है। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, क्योंकि बिना एंजाइम के बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, और ये कोई अलग से एंजाइम नहीं है, ये एक्चुअल में एक तरह का राइबोजाइम है। क्या है? राइबोजाइम। राइबोजाइम यानी एक कैटालिटिक आरएनए है, और ये आरएनए कहाँ होता है? जो लार्ज सब यूनिट है आपका राइबोसोम का, तो लार्ज सब यूनिट में आपने पढ़ा होगा 23 SRRNA होता है, तो इसी 23 SRRNA का एक हिस्सा पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी शो करता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बनता है, ठीक। तो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब देखिए, जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तो हमारी अमीनो एसिड जो है दूसरे वाले पे ट्रांसफर हो गई, देखिए लग गया, यहाँ से अमीनो एसिड गई दूसरे पे अटैच हो गई, तो ये पहला पेप्टाइड बॉन्ड बना। तो पहला पेप्टाइड बॉन्ड जब बन जाता है उसी प्रोसेस पे आकर के हमारा इनिशिएशन स्टेप कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बना। अब पुराना वाला जो टीआरएनए था वो देखिए खाली हो गया, लेकिन अब इनकी लोकेशन पे ध्यान दीजिए, ये अभी भी पी साइट में है और ये अभी भी ए साइट में है। अब क्या होगा? इसके बाद ट्रांसलोकेशन स्टेप होगा, और उसके लिए भी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलेंगे ट्रांसलोकेज एंजाइम। तो ट्रांसलोकेज एंजाइम भी पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की तरह राइबोजाइम है, यानी कैटालिटिक आरएनए, और ये भी किसका हिस्सा है? 23S rRNA का, ठीक है। तो 23S rRNA जो बड़े सब यूनिट का हिस्सा है उसमें दो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, और दूसरा राइबोसोम को खिसकाने के लिए ट्रांसलोकेज एक्टिविटी, ठीक। तो अब राइबोसोम एमआरएनए पे एक स्टेप यानी एक जेनेटिक कोडॉन आगे जाएगा। तो जब एक जेनेटिक कोडॉन आगे जाएगा तो अब डायग्राम कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, देखिए यहाँ से ट्रांसलोकेशन के बाद सारी चीजें शिफ्ट हो गई,
तो जब ये राइबोसोम एक स्टेप आगे खिसका तो जो स्ट्रक्चर ए साइट में आपको नजर आ रहा था वो खिसक के कहाँ चला गया, पी साइट में, और पी वाला जो था खाली आरएनए वो कहाँ चला गया, खिसक के ई साइट में। अब ई साइट आप जानते हैं एग्जिट होता है, तो यहाँ से ये आउट हो जाएगा रिएक्शन से, और ए साइट हमारा फिर से खाली है, फिर से खाली है, यानी अब दूसरी अमीनो एसिड यहाँ पे आएगी, बाइंड करेगी, फिर ये पेप्टाइड जो है फिर उसके ऊपर अटैक करेगा इसी तरीके से, और जब अटैक करेगा तो उसके ऊपर फिर बॉन्ड बनाएगा कि पूरा पेप्टाइड उस पर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये टीआरएनए खाली हो जाएगा, फिर राइबोसोम ट्रांसलोकेट करेगा। अब यही साइकिल लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि स्टॉप कोडॉन ना आ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से वन बाय वन एक एक अमीनो एसिड बाइंड होगा और पेप्टाइड चेन की लेंथ धीरे धीरे एक एक अमीनो एसिड जुड़ने से बढ़ती रहेगी। बात क्लियर हुई? तो एलोंगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप का हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। तो प्रोसेस यहाँ तक आपका इनिशिएशन रखा रहा, क्लियर।